दोस्तों हार्दिक पांडे को मिला बहुत ही बड़ा धमकी, जान से मारने का मिला है धमकी। बताएंगे पूरा खबर की जानकारी, कौन और कौन सा खिलाड़ी ने दिया है जान से मारने का धमकी, बताएंगे पूरा खबर आपकी इसी वीडियो पर। उससे पहले ही आप लोग भी हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, अभी IPL 2023 का नीलामी कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी जो यहाँ पर हार्दिक पांडे को मुंबई इंडियन टीम में शामिल किया जा रहा है और उनको रोहित शर्मा का जगह पर कप्तानी दिया जा रहा है, जो फैंस कुछ भी करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमेशा मुंबई इंडियन टीम की तरफ से रोहित शर्मा को ही कप्तान का तौर पर जो फैंस देखता रहा है और उनको ही देखना चाहता है, जिस वजह से जो मुंबई इंडियन टीम का फैंस यही चेतावनी दिया है हार्दिक पांडे को, अगर हार्दिक पांडे मुंबई इंडियन टीम का कप्तान बने तो उनको जो मार देंगे हम उनको। लेकिन ये फैंस फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर ऐसा धमकी दे रहा है जो हार्दिक पांडे को मुंबई इंडियन टीम का फैंस, रोहित शर्मा का भी फैंस ऐसा धमकी को देख अभी थोड़ा बहुत हार्दिक पांडे भी डरा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप बंधु की क्या रही, क्या हार्दिक पांडे को मुंबई इंडियन टीम का कप्तान बन जाना चाहिए या रोहित शर्मा को ही मुंबई इंडियन टीम का कप्तान रहना चाहिए? हार्दिक पांडे चाहे तो आ सकता है, ऐसे प्लेयर के तौर पर खेल भी सकता है, लेकिन आप बंधु की क्या रही, क्या हार्दिक पांडे को आना चाहिए या गुजरात टीम में रहना चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट पर।